फ्रेंड्स गंदा पानी पीने से दोस्तों इन मासूम पक्षियों की दोस्तों जान चली जाती है। तो दोस्तों हम अपने घर की छत पे बिल्कुल साफ पानी रख सकते हैं। तो दोस्तों हमें एक स्मार्ट वाटर फीडर बनाया है जो कि हम वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे होम टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक स्मार्ट वाटर फीडर बनाने वाले हैं। तो दोस्तों इसको परहिंडे के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमें एक मिनी पंप लिया जो कि 5 वोल्ट पर ये चलती है। तो दोस्तों हमने कुछ पत्थर और एक ही मिट्टी का पॉट लिया है और एक सोलर पैनल लिया है। दोस्तों हमने कि लोहे का वायर लिया है जिसको इस तरह से मोड़ लेना है। दोस्तों इसको स्टैंड टाइप में इसको बना लेना है और हमारे इस पंप को इसके अंदर फिट करेंगे। तो दोस्तों इसको इस तरह से राउंड शेप हमने दे लिया है इसको। तो दोस्तों हमारा ये मिनी पंप इसके अंदर हम लगाएंगे। तो बिल्कुल इसके अंदर फिट आ चुका ही है और इसको हम प्लास से इसको मोड़ लेंगे। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से इसको टाइट करेंगे बिल्कुल। तो हमने इसको टाइट कर लिया है और फ्रेंड्स हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट हो चुका है। और फ्रेंड्स हमने एक ही लेवल पाइप लिया है जो कि हम इसके अंदर लगाएंगे। तो हमने इस तरह से इसको एक स्टैंड टाइप में इसको बना लिया है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों इस तरह का वीडियो आपने पूरे YouTube पे कभी आपने देखा नहीं होगा। तो दोस्तों आज हम पक्षियों के लिए कुछ स्मार्ट बनाने वाले हैं। तो दोस्तों आजकल इनकी पक्षियों की दोस्तों दूषित पानी पीने से इनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों आप भी अपने घर के छत पे इसको एक साफ पानी रख सकते हो उनके लिए। तो दोस्तों हमने इस तरह से एक पाइप लिया है तो हम इसको इस तरह से इसके अंदर लगाएंगे। और दोस्तों हमें एक वायर लिया है जिसको छोटे छोटे टुकड़े इसके अंदर से कर लेंगे। तो दोस्तों हम इसको इस तरह से इसको यहाँ लगाएंगे। और दोस्तों हमारे ये आगे से इसका मुंह खुला हुआ था जिसको हम बंद करेंगे। तो दोस्तों हमने इसको लाइटर से इसको गर्म कर लिया है। और फ्रेंड्स हमारे इसको हम प्लास से इसको बिल्कुल पैक कर लिया है हमने। हमारा पानी इधर से नहीं निकलेगा। तो दोस्तों इस मिनी पंप के अंदर दोस्तों प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो दोस्तों हमने इसको सही पैक कर लिया है और दोस्तों इसको हम यहाँ लगाएंगे इसको। और फ्रेंड्स इसको हम वायर से इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। तो हमने इसको टाइट कर लिया है। तो दोस्तों हम इस तरह से इसको हम लगाएंगे तो बिल्कुल ये परफेक्ट तरीके से दोस्तों ये बन चुका है। और फ्रेंड्स हम इसको इसके ऊपर हम छेद करेंगे बारीक बारीक बिल्कुल। तो दोस्तों हमने सोल्डरिंग आयरन से दोस्तों इसके अंदर छेद कर लिया है बिल्कुल बारीक बारीक। इसके अंदर से होल कर लेना है बिल्कुल। तो दोस्तों इसके अंदर से हम पानी निकलेगा। तो दोस्तों बहुत ही बारीक बारीक छेद हमने इसके अंदर से कर लिया है। इसके अंदर से बिल्कुल तो हमने इसके अंदर छेद कर लिया है। और दोस्तों हम इसके अंदर ये पत्थर रखेंगे। दोस्तों ये पत्थरों से दोस्तों ये बिल्कुल ही सीधा रहेगा। तो दोस्तों इसके अंदर जो कि पानी निकलेगा जो कि पक्षियों को बहुत ही अच्छा लगता है। झरता हुआ पानी दोस्तों उनको बहुत ही अच्छा लगता है तो वो अट्रैक्टिव होते हैं। तो दोस्तों हमने इसके अंदर पानी भर लिया है और हमारे सोलर पैनल के वायर इसके अंदर हम लगाएंगे। तो दोस्तों हमारे ये बिल्कुल चल चुका है और दोस्तों हमने इसके अंदर बिल्कुल साफ पानी भर लिया है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों हम जल्दी नई वीडियो के साथ हम मिलने वाले हैं।